अपने अभिनय कला से दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाले अनुपम खेर अक्सर सोशल मीडिया के जरिए अपने प्रशंसकों के साथ अपने मन की बात साझा करते रहते हैं। हाल ही में अभिनेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू पर अपनी फिल्म द कश्मीर फाइल से संबंधित एक छोटा सा वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में अनुपम खेर कहते हैं, आप सब तक पहुँचने के लिए मैं झटपटा रहा हूँ, मुझसे मिलिए। सोशल मीडिया ऐप पर साझा किए गए वीडियो की शुरुआत में अनुपम खेर बोलते हैं, ईश्वर की कृपा और आप सबके प्यार व आशीर्वाद से मैं 522 फिल्में कर चुका हूँ। अनुपम खेर हूँ, पात्र बनता हूँ, अभिनय करता हूँ, हंसाता हूँ, रुलाता हूँ, यही मेरा सारांश है। लेकिन इस बार मैं कोई पात्र नहीं बना, मैंने अभिनय नहीं किया और द कश्मीर फाइल्स कोई डायलॉग भरी कहानी भी नहीं है। अभिनेता कश्मीरी पंडितों की बात करते हुए कहते हैं, 32 साल पहले लाखों कश्मीरी हिंदू तहस नहस कर दिए गए थे। मेरे हाथ, पांव, बाजू, ये शरीर जैसे रातों रात जिहाद ने रौन डाला। 90 करोड़ का ये भरा पूरा देश बेखबर रहा। पुलिस मानो गायब हो गई, सेना छावनियों में पड़ी रही और कश्मीर हम हिंदुओं से खाली करा लिया गया। निराश और हताश अभिनेता शिकायत करते हैं कि कश्मीरी पंडितों के पलायन पर कोई जांच नहीं हुई, आज तक कोई आयोग नहीं बैठा, कोई मुकदमा नहीं चला, कोई दोषी नहीं पाया गया, किसी को सजा नहीं हुई। हाँ, मुद्दा जरूर उछाला गया, लेकिन जिहादियों के लिए आधी रात में खुलने वाली अदालत ने हमें सुनने से भी इनकार कर दिया। अनुपम खेर के लिए उनकी फिल्म क्या है ये बताते हुए अभिनेता कहते हैं, द कश्मीर फाइल्स फिल्म से कहीं बढ़कर आप सबकी अंतरात्मा की अदालत में हम कश्मीरी हिंदुओं की एक दस्तक है। मैं अनुपम खेर नहीं हूँ, मैं अब पुष्कर नाथ हूँ। आप सब तक पहुँचने के लिए झटपटा रहा हूँ, मुझसे मिलिए द कश्मीर फाइल्स में। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइए। और भी ज़्यादा ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।